सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशिया सीरीज का चौथा मैच खेला जा रहा है। टेस्ट मैच के तीसरे दिन एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। खैर, क्रिकेट में करिश्मे ना हो तो इस खेल का मजा ही क्या। करिश्मा भी कुछ ऐसा था कि इंग्लिश बल्लेबाजों ने अपने सिर पीट लिए तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की तो आंखें फटी की फटी रह गई। वैसे ये घटना जैसी भी हो इंग्लैंड के लिए फायदेमंद रही। अब ये करिश्मा कब और कैसे हुआ, चलिए आपको बताते हैं। मामला इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान का है। बेन स्टोक्स बैटिंग कर रहे थे और सामने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज कैमरॉन ग्रीन बॉलिंग कर रहे थे। कैमरॉन ग्रीन ने इस ओवर की पहली बॉल फेंकी और स्टोक्स ने उसे छोड़ दिया, लेकिन बॉल सीधे विकेटकीपर के हाथों के बजाय स्टंप में जा टकराई। इसके बाद जोरदार अपील हुई और अंपायर ने इसे आउट दिया, लेकिन बेन स्टोक्स ने तुरंत फैसले के खिलाफ रिव्यू की मांग की। इसके बाद जो हुआ, न केवल बेन स्टोक्स झूम उठे बल्कि इंग्लैंड का पूरा खेमा जश्न मनाने लगा। रिप्ले में दिखा कि बॉल जाकर ऑफ स्टंप से टकराई, पर गेंद के स्टंप से लगने के बाद भी बेल्स नहीं गिरी और स्टोक्स को एक बड़ा जीवनदान मिल गया। इसके बाद अंपायर को अपना निर्णय बदलना पड़ा। जो हुआ उसे देखने के बाद स्टोक्स अपना सिर पकड़ते दिखे, वहीं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी हैरत में पड़े नजर आए। जिस वक्त ये घटना घटी, स्टोक्स 37 गेंदों पर 16 रन बनाकर खेल रहे थे। हालांकि अब स्टोक्स 66 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके हैं।